शख्स, तो मैं हूँ रवि और स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ एवरीथिंग यूट्यूब चैनल में। तो देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज आपको इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ यूपी बोर्ड 2019 की डेट शीट। जी हाँ दोस्तों, 2018-19 की डेट शीट काफ़ी दिन पहले आ चुकी है, आप ये न्यूज़पेपर में भी देख सकते हैं। ये मैं आपको 10th और 12th दोनों क्लासेस की मैं आपको दिखाऊंगा, पर सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको मेन जो मेरा दिखाना चाहता हूँ मैं साइंस साइड की ही। मैंने मेन अलग से जो डेट शीट लिखी हुई है अपनी कॉपी पर, वो लिखी हुई है मैंने साइंस साइड की। बाकी की जो साइड्स है और 10th क्लास की जो डेट शीट है वो मैं आपको दिखाऊँगा जो पेपर है उससे। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मेन डेट शीट, यानी कि 12th क्लास की साइंस साइड की डेट शीट। तो दोस्तों प्लीज़, अगर आप पे कोई और साइड है तो आप प्लीज़ इस बारे में बुरा मत मानिएगा कि मैंने साइंस साइड की ही डेट शीट में क्यों दिखा रहा हूँ अलग से, इसका कुछ अलग से रीज़न है। तो दोस्तों सबसे पहले दिखा देता हूँ मैं जल्दी से साइंस साइड की डेट शीट। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे मैंने लिखी हुई है डेट और ये लिखी है सब्जेक्ट। तो सबसे पहला जो पेपर है वो है 12 फरवरी को हिंदी सामान्य का, और दूसरा जो पेपर है वो है हमारा 15 फरवरी को जो है केमिस्ट्री का, तीसरा जो पेपर है हमारा वो है 21 में जो कि है मैथ्स का, और तुरंत 21 के तुरंत बाद है 22 का में वो जो है फिजिक्स का, और 22 के बाद है फिर 28 में बायो का। अगर आपके पास मैथ्स है या बायो है तो आप इसमें चूज़ कर सकते हैं कि आपका कौन सा पेपर है, ये मैथ्स का या बायो का। तो आप देख सकते हैं वो कि आपके पास मैथ्स है या बायो, तो 28 में है बायो का, और 2 मार्च को है हमारा यानी कि नेक्स्ट मंथ में है हमारा इंग्लिश का। तो दोस्तों वो तो दिखा दिया मैंने आपको अपनी डायरी में अलग से। अब मैं आपको दिखाता हूँ पेपर में जो न्यूज़पेपर में डेट शीट आई है। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बात अलग से और बता दूँ कि अगर आप जानते हैं कि जो यूपी बोर्ड है ये मीन्स अभी तक इसने जो आप इसकी ऑफिशियल साइट है यूपीएमसी करके कुछ जो इसकी साइट है उसने अभी तक इसको जो डेट शीट है उस पर अपलोड नहीं किया है। अभी न्यूज़पेपर में ही डेट शीट आई, आपकी इंटरनेट पर अपलोड हो जाएगी तो तभी आप इसको मान सकते हैं कि हाँ ये ही रियल डेट शीट है। बट ये अभी पेपर में अनाउंस कर दी गई है, तो यानी कि अभी ये डेट शीट वो है कि अगर आप इसमें कुछ त्रुटि कराना चाहते हैं, यानी कि आप इसमें अगर कोई मिस्टेक है वो ठीक कराना चाहते हैं तो अभी वो ठीक हो सकती है। अगर अभी आपका इसमें कोई पेपर एग्ज़ाम वगैरह है, मीन्स कोई एयरफोर्स का एग्ज़ाम है उस डेट को, उसी डेट को आपका कोई पेपर है तो आप उसको ठीक करा सकते हैं। मीन्स आप उनको बता सकते हैं कि इस दिन एयरफोर्स का भी एग्ज़ाम है तो हम दोनों पेपर एक साथ कैसे देंगे, मीन्स वो एक समस्या है तो वो चीज़ ठीक हो सकती है, इसलिए पहले पेपर में जो है वो डेट शीट देते हैं। तो देख लीजिए आप, ये कुछ डेट शीट है, मीन्स ये 10th और 12th की कंबाइन है। तो मैं कैमरे को थोड़ा थोड़ा, आप वीडियो को पॉज करके आराम से डेट शीट देख सकते हैं। मैं एकदम क्लियर तरीके से आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपकी कि आपको मैं जितना क्लियर तरीके से हो सके दिखा सकूँ। आप वीडियो को पॉज करके आराम से डेट शीट देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें पेपर में कौन सा पेपर चेंज होना चाहिए। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो वीडियोस आने वाली है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है।